हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इरफान खान ब्लॉग्स चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर पर ही अपनी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं आपको कैसे आप अपनी गाड़ी का जो ब्रेक है वो चेक कर सकते हैं। बूट ओपन करते हैं। स्टैंड लगा देते हैं। ये है इसका ब्रेक और लेवल देखिए, जिसकी ये स्प्रिंग है। एक मिनट ये देखिए। तो ये जो है अभी एक मैक्सिमम मिनिमम पर है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। तो उससे जो क्या हमारा ऑयल ब्रेक जो ऑयल जो ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके डिस्क ब्रेक के बारे में। तो देखिए ये है इसके डिस्क ब्रेक। तो देखिए जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपको ये एक मिनट में आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपको ये इधर रबड़ सी दिख रही है ना, ये जो कोने पे बचा हुआ है, ये देखिए ये जो डिस्प्ले के ऊपर ये बूस्ट पैड जो हमें बोलते हैं ब्रेक पैड, इनकी हालत जो है वो भी कुछ ठीक नहीं है। तो अभी क्या है, हम इन्हें ठीक करवा मतलब चेक करवाने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन मैं आपको बस बताऊँ, जैसे आप घर पर चेक करना हो तो हमेशा आप इसको देख लीजिए, और नहीं तो एक मिनट नहीं तो आप इसका जो ये शीट है, देखिए जो लोहे की डिस्क है ये जिस पर ब्रेक लगते हैं, आप इसे चेक कर लीजिए कि ये कितनी ज़्यादा घिसी हुई है। देखिए कितनी ज़्यादा घिसी हुई है। लेकिन ये अब डिस्प्लेट जो हमने अभी खराबिया पे इसको लेवल में करवाया था, और जो इसका ब्रेक पैड है वो भी देखते हैं, थोड़े चलते हैं नीचे खोलते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप जैसे घर पर चेक कर सकते हैं तो बस ऑयल लेवल चेक कर लीजिए। अगर आपका ब्रेक नहीं लग रहे हैं तो आप इसे एक बार खुलवा के या खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 19 नंबर की गोटी, चार नट खोलने हैं। खोलने के बाद आपका टायर बाहर आ जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि इसका जो ब्रेक पैड है ये कैसे मतलब घिसे हुए हैं, फटे हुए हैं। और पीछे के चेक करने के लिए तो आपको इसका व्हील कैप, व्हील कवर निकालना होगा, फिर ये चार नट, और फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर ये ड्रम खुलेगा तो तब आप पीछे के जो बुश है वो आप देख पाएंगे। तो चलिए एक बार इसको हम चेक करवाने के लिए ले चलते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ चेक करवाने। तो अब हम आ गए हैं अपनी गाड़ी के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी गाड़ी को घर पे जो है ब्रेक को चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या, सबसे पहले आपको जो है अपने गाड़ी का जो फ्यूल होता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया, आपको उसे चेक करना है। वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहना चाहिए। अगर वो मिनिमम से कम होता है तो आपको उसे फिल कराना होगा, करवाना होगा उसे फिल आपको। और ब्रेक जो आपके दोनों टायर के, अगर आप उसे खोल, जैसे स्टेपनी चेंज करते हैं, जो टायर चेंज करते हो आप, वैसे भी उसका सिर्फ नॉर्मली प्रोसेस, चार नट खोलने हैं आपको। चार नट खोलने के बाद आपको बूस्ट पैड देख लीजिए कि ख़त्म हुए हैं नहीं हुए हैं तो ठीक है। लेकिन नहीं तो जो क्या है कि हम एकदम से अचानक से ब्रेक लगा देते हैं भगा के, एकदम से हमें ब्रेक मारने की आदत है, ड्रिफ्टिंग करते हैं एकदम एक अचानक से ब्रेक लगा, तो उस पर भी आपके जो किलोमीटर कम हो सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली है 40,000 से 50,000 किलोमीटर पर आप उसे चेंज करवा सकते हैं। कंपनी से मतलब सभी कंपनियों का अलग अलग क्लेम है कि इतने किलोमीटर चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि मैनुअल आप गाड़ी जब भी परचेज करोगे तो उसमें आपका मैनुअल में सब कुछ लिखा रहता है। तो अब पीछे के जो ड्रम्स ब्रेक, ये जो हैंड ब्रेक है, पीछे के ड्रम्स ब्रेक हमेशा हैंड ब्रेक से कंट्रोल होता है। जो हैंड ब्रेक है ये, इसकी चूड़ी आप देख लीजिए कि अगर जो आपके ब्रेक नहीं लग रहे हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 पे जाके रुक गया है, तो इसे उठा के 5, तो ये 5 पर। तो नॉर्मली क्या है, ये 4 पे बेस्ट रहता है। अगर इसे 4 पे जाके टाइट करवा सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पे बेस्ट है। 5 पे देखने के बाद गाड़ी देखिए जो है अब आगे बढ़ नहीं रही है, लोड ले रही है, लेकिन बढ़ भी रही है लेकिन लोड ले रही है। तो हमें क्या, अब इसे टाइट करवाना होगा, और आगे के ब्रेक पैड जो है मेरे अब जो कभी थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी भी जो है 6-7 चूड़ी या ऊपर होता है हैंड ब्रेक, तो आप उसे टाइट करवा लीजिए। टाइट नहीं करा तो आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हो, क्योंकि ये जो हैंड ब्रेक है ये इमरजेंसी के लिए काम आता है। अगर ये इमरजेंसी में भी काम नहीं आएगा आपके, तो फिर क्या फ़ायदा गाड़ी का। तो चलिए अब चलते हैं इसकी गाड़ी को, इसका फ्लूड चेक करवाते हैं, इसे खुलवाते हैं टायर को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे ज़रूरी बात, सीट बेल्ट लगाना।
ना भूलें तो सबसे पहले हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। सेफ्टी हमेशा फर्स्ट है, हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखिए। तो चलिए चलते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. यार एक तो ये दिल्ली का जाम है ना, एक तो ये नहीं जीने देता, बस क्या बताएं इनसे तो ना ऊपर वाला बचाए यार। इतना जाम होता है क्या दिल्ली में? इतना जाम कहां से उड़ाए गाड़ी को? अब हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी का काम कराना है। तो अगर आपको यहाँ आना तो मैं आपको यहाँ का एड्रेस दे दूँगा। शाहबाद इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो आपने देखा होगा, शाहबाद इंजीनियरिंग कॉलेज से ये कॉलेज गया अभी। यहाँ से कोने पे, जस्ट कोने पे आपको यहाँ से लेना है, रोंग साइड ले लेना, या फिर आगे यू ट्रेन आप वहाँ से ले सकते हो। तो अब हम आ चुके हैं, तो बस यही है सामने। भाई आएंगे, गाड़ी की ड्राइव लेंगे, तो अभी मैंने उन्हें बुला लिया है। अब वो बस अंदर गए हैं सामान लेने के लिए, और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे, चला के देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या ब्रेक क्यों नहीं लग रहे, फ्यूल ऑयल पूरा है नहीं है। तो अब हमारे भाई आ चुके हैं, देखिए। तो अभी इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे। बढ़िया टेस्ट ड्राइव हो गई इसकी, टेस्ट ड्राइव बढ़िया एकदम बढ़िया लेंगे, जेन्युइन वाली। तो भाई अगर किसी ने भी काम कराना हो तो कहाँ आना है? राजू मोटर्स। एड्रेस यही है क्या? शाहबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के, देखो आवाज, ये जो आवाज है यही आवाज आ रही है। तो इसे आवाज को ठीक करना है। एक बार भाई टेस्ट ड्राइव ले ले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फुल स्पीड मारने के बाद तो हमारे साथ आगे हैं एक भाई और। क्या नाम भाई आपका? हमारा नीरज कुमार यादव। तो इन भाई के दोस्त हैं ये भी। तो ब्रेक का क्या निकाला आपने भाई? देखो भाई, चारों ब्रेक खुलेंगे इसकी, तो आगे के साइड डिस्पैड अगर खत्म है तो दूसरे पड़ेंगे। ब्रेक शू अगर ठीक है तो एडजस्टिंग कर दी जाएगी गाड़ी मक्खन। और जो ब्रेक है, हैंड ब्रेक है, इसका क्या करोगे? सब हो जाएगा उसी। चलो एडजस्टिंग करने के बाद हैंड ब्रेक भी आपकी ओके हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ब्रेक ऐसे करती हो जो लगने के बाद घूम जाए गाड़ी? अरे घूम जाए कभी ना जाए। तो चलो भाई करवाते हैं पार्ट झटाफट। तो अब इसके चारों ब्रेक खोलते हैं, लगाते हैं, चारों ब्रेक खोल के देखते हैं कि ब्रेक की क्या कंडीशन है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम काम कराते हैं अपना गाड़ी का, एक बार इसे उठवा के खोलते हैं, फिर देखते हैं इसकी क्या कंडीशन अंदर की। Oh, 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 oh,
रिम वो है या वो बैरिंग जो इसका हुआ है? रिम की वजह से ऐसे कांप रहा है या वे बैरिंग की वजह से? रिम की वजह से, क्योंकि इसका जो पीछे का बैरिंग है वो तो चेंज करा दिया था, मतलब इसके बैरिंग में दिक्कत है। बैरिंग तो ठीक है, बैरिंग तो नया डलवाया था। रिम की वजह से दिक्कत है ना, और तो कोई दिक्कत नहीं टायर में? ठीक है तो बस ब्रेक चेक कर दो। ब्रेक की हालत देख लो, कैसी ब्रेक की हालत है? कैसे ब्रेक? है ब्रेक खत्म है, खत्म है। ये कराया था या ये जब क्लच प्लेटर का काम हुआ था उसके साथ ही करवाया था? ये फेस हुआ भाई, है फेस हुआ, ये भाई फेस करवाया था, क्लच प्लेट का काम हुआ ना तब करवाया था साथ में। ठीक है मोए फेस हो दोबारा, ये दोनों कट गए। हां इसकी वजह से कटी है, ये हो जंग कट हो गया। देखो ये एक ये ब्रेक पैड, यहां से ये यहां से खत्म हो गए कोने से, चलेंगे नहीं है। तो भाई अब जो है इसकी डिस हो चुकी है खराब। देखिए इसकी जो पैड है इसको कराना पड़ेगा लेवल, और ये देखो इसकी हालत, देखो पैड की हालत खत्म। तो भाई अब हम करवाने वाले इसकी फेसिंग, क्योंकि तो ब्रेक जो है वो खत्म हो चुके हैं, डिस जो है पूरी खत्म हो चुकी है। देखिए अगर हम नए ब्रेक भी लगाते हैं तो वो ऐसे ख़राब हो जाएंगे। देखो देखिए एक मिनट, तो वो ऐसे जो है ख़त्म होने लग जाएंगे, जैसे ये ख़त्म हो गए ना ऊपर से, ऐसे ये भी ख़त्म, नए ब्रेक जो खत्म, इसलिए हम इसके लेवल में लाना पड़ेगा तब हम इसको ये नए ब्रेक पैड लगा पाएंगे। तो अभी आ चुका बाहर, देखिए इसका जो, एक मिनट देखो, अब देखो इसकी जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग, ये वाली देखो, ये वाली लाइनिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। देखो ये ब्रेक कहाँ से ब्रेक पकड़ेगी ये नया, तो इसको कराते हैं लेवल फिर दिखाते हैं आपको। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. खुल गया हमारा, देखो दूसरा ब्रेक पैड, इसकी हालत देख लो। बचा तो हुआ है लेकिन ये जो दरार देख रहे हो ना, ये देखो, ये देखो दरार, एक मिनट, ये देखो दरार, और दे देखो दूसरा, ये देखो ऐसा ब्रेक, देखो बिल्कुल पूरा लाल। तो अब हो चुके बहुत देर, तो अब दोनों टायर फ्रंट के खुल चुके हैं, दोनों व्हील गए हैं अपने उस पर खरादिया के पास होने के लिए, लेकिन अब हम ब्रेक लेके आए हैं ये राणा के। देखो एक मिनट, राणा के ये मुझे पड़े हैं 400 रुपए के, थोड़ी जानकारी की वजह से इतने मिल जाते हैं। देखिए आप रेट देखिए इसमें 571 रुपए। तो अगर आप एक देखिए, तो कंपनी से आते हैं वो, देखो ये देखो सर मारुति सुजुकी राणा, तो जो मारुति राणा जो है वही मारुति सुजुकी को सप्लाई करती है, तो ये भी ओरिजिनल है। तो इसे लगाते हैं पहले, इसके डिस आ जाने देते हैं, दोनों डिस आ जाएंगी फिर इनको फिट करेंगे, फिर दोनों के पीछे के टायर खोलेंगे, दोनों के ब्रेक चेक करेंगे, फिर देखना आप ब्रेकिंग इसकी। तो देखिए दोस्तों अब हमारे जो हैं दोनों, देखिए दोनों जो हैं खरादिया से होके आ गए हैं लेवल होके पूरे। तो भाई जब फिट कर देगा, देखिए
ये दोनों लेवल देखिए आप, देखिए पहले उसमें कितना फर्क है, 0-0। तो अब इससे फिट करते हैं बिल्कुल, लेकिन नया हो गया है बिल्कुल, इसे फिट करवाते हैं यहाँ। We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. तो भाई ने जो है दोनों ब्रेक फिट कर दिए हैं, टायर भी फिक्स कर दिए हैं, पीछे का एक ड्रम खोल के देख लिया हमने, उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए हम उसे चेंज नहीं करेंगे। आगे पीछे के ओके हैं, आगे के भी ओके। अब बाइक के लिए जो है वायर जो हार्ड हो चुकी थी, सिर्फ टाइट कर देंगे। क्लिच वायर करोगे ना अब? क्लिच वायर जो हार्ड हो रही थी तो दोस्तों अब हमारी गाड़ी का जो है काम हो चुका है। सॉरी मैं कल रात की वीडियो जो नहीं बना पाया, वो काफ़ी लेट हो गए था और मुझे वहाँ से जल्दी आना भी था, तो मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या काम कराया है। मेरे जो दोनों ब्रेक शू हैं वो मैंने चेंज करा लिए हैं, वो मैंने राणा के डलवा दिए हैं। राणा के ये मुझे कॉस्ट करे हैं राइव 400 रुपये के, और जो फेस हुआ है ड्रम वो उसने लिए है 500 रुपये, और डालने के लिए लिए हैं 200 रुपये। हमारे दोनों डालने के बाद हमारे हो चुके हैं, तो उन्होंने लिए 1100 रुपये हमारी गाड़ी में जो है लग चुके हैं। तो अब आप बोलोगे कॉस्टिंग नहीं बताए, तो कॉस्टिंग बता दी चुकी है। फेस ड्रम फेस करवाने के दोनों आगे फ्रंट के उन्होंने लिए 500 रुपये, और 400 रुपये राणा के ब्रेक्स आए थे। आपकी अच्छी जगह से नया शेव करवा सकते हो, उसका रेट वैसे 500 है, आप नया शेव करवाओगे तो 400 रुपये में आपको दे देंगे। तो वह दोनों फेस कराए हैं, और 200 रुपये भाई ने मैंने डलवाने के लिए दे दिए थे। तो टोटल हमारे जो कॉस्टिंग हुई है वो 1100 रुपये। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और तो बस आज की वीडियो में तो बस इतना ही था, तो आने वाली वीडियो में आप और अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।